तो देखिए पूजा हो गया और अभी पापा देखिए हम नारियल फोड़ने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपसे तो प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह हो गई है इसलिए आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज का मौसम देखिए, आज मौसम तो बारिश जैसा नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोहरा बरस रहा है दोस्तों। हाँ। देखिए और अभी सुबह सुबह दादी देखिए यहाँ झाड़ू लगा रही है। दोस्तों आज है विश्वकर्मा पूजा इसलिए आप सभी को हमारे तरफ से विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो दोस्तों अभी विश्वकर्मा पूजा की ही तैयारी चल रही है और देखिए इस तरफ खुशिंग मम्मी गोबर ला के रखी है। अभी घर हाँ, आंगन सभी अभी लिपाई हाँ। पोताई होगा दोस्तों। काहे खुशी काहे, अभी खाना बना रहे हैं, बना उना लेंगे उसके बाद लिपेगी ना हाँ। तो चलिए दोस्तों हम अपना मोटरसाइकिल और पावर टिलर को धोते हैं, उधर रास्ते में धोएंगे दोस्तों। अभी सुबह से ही पूरा एकदम तैयारी होगी तो चलिए अपना तैयार कीजिए है ना। तो दोस्तों देखिए गाड़ी निकाल लिए हैं और पावर टिलर को भी निकाल लिए हैं, चलिए ये सब को रास्ता में निकालेंगे दोस्तों। और अभी खुशी पहले ही गाड़ी में बैठ गई है। क्या खुशी, कहाँ जा रही रही? तो देखिए बैठ के एकदम कैसे हिल रही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों गाड़ी को हम निकालते हैं। अब पूरा एक्साइट बैठी है रही, सीधा हो जाओ सीधा हो जाओ हाँ। तो इसी तरह दोस्तों एकदम गाड़ी में पूरा जुर्म करके बैठ जाती है, रवि बैठी हुई है। तो चलिए बाहर निकालते हैं फटाफट है ना जी, निकाल दीजिए नल का पानी आया है। अच्छा इसमें पानी आ गया हाँ। तो दोस्तों देखिए ये पाइप में पानी आ रहा है हाँ जी, सच में देखिए यहाँ गिरा हुआ भी है। तो इसी पाइप का पानी से धोएंगे दोस्तों। और हम लोग का ये वाला पानी सिर्फ गाड़ी उड़ी धोने का ही काम देता है, बाकी कुछ नहीं। और अंगना उंगना धोते हैं नहीं तो ये ऐसा ऐसा टाइम में पानी आता है ना दोस्तों कि कुछ कहने लायक नहीं है। अभी आ जा रहा है, पता चलेगा कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, चार दिन के बाद आएगा। अगर रोज़ आता तो पीने लायक होता, लेकिन रोज़ आता ही नहीं है पानी। तो चलिए फटाफट हम निकालते हैं, पहले टिलर को स्टार्ट करके निकालते हैं ताकि यहाँ उठा नहीं पाए। धोएंगे काहे कि आंगन में धोते तो आंगन में काफ़ी ज़्यादा पानी जमा होता और कचरा हो जाता है, और खुशी को जान करते ही कितना नटखट कर दिए। तो चलिए यहीं पे धोएंगे एकदम अच्छा से। गाड़ी को भी निकाल लेते हैं पहले, क्या सुन हो गया, अब धोएंगे उसके बाद बैठाएंगे है ना। तो देखिए दोस्तों अब बहुत ही अच्छा सा आ गया। तो चलिए अब पाइप लाते हैं और धोते हैं। देखिए इसमें पानी भी प्रेशर में आता होगा, देखिए देखिए क्या ही मस्त आ रहा है। तो चलिए फटाफट एकदम धोते हैं। तो दोस्तों देखिए गाड़ी सब धो के कैसा एकदम चकाचक कर दिए हैं दोस्तों, एकदम क्या ही मस्त दिख रहा है अब देखिए। तो चलिए अभी ये सब यहीं पे सूखेगा तो यहीं पे अभी छोड़ देते हैं और चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए और दादी क्या आदमी निकाल रही है, कहाँ चलाओ? डंगबोदी चौका। डंगबोदी चौका हाँ। ओ तो दोस्तों वो डंगबोदी का छिलका है, यही वाला का सब्जी बन रहा है इसीलिए। और देखिए खुशिंग मम्मी यहाँ पे लिप रही है घर, घर में लिपाई पोताई हो रहा है। देखिए तो हो गया जी लिपाई, अच्छा वो घर वाला पहुँचा हुआ है ना हाँ। ये वाला हो गया हाँ। अब दोस्तों देखिए किचन रूम में इधर एकदम लिपने के लिए आ गई है और इस तरफ अभी लिप रही है दोस्तों। देखिए इधर कितना बर्तन रखा हुआ है, इधर ही लिप रही है। और दादी यहाँ पे देखिए दोस्तों कढ़ाई चढ़ा के इस तरफ मसाला पीस रही है, मसाला पीसा लो वो। तो देखिए दादी पीस रही है और सब्जी बनाएगी। अभी ले जा रही थी बोदी का छिलका तो अभी बोदी का सब्जी बनेगा। तो चलिए जी लिपिए फटाफट है ना हाँ। और दोस्तों हम लोग का हिंदू धर्म में यही वाला काफ़ी ज़्यादा शुद्ध माना जाता है और हम लोग का शुद्ध होता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं फटाफट पूजा का प्रसादी लाने, पूजा का सामान लाने। तो चलिए अभी चलते हैं, उधर गाड़ी है, गाड़ी में। तो दोस्तों अभी दुकान आ गए हैं और देखिए कितना ही माला है दोस्तों, यही सब में से कुछ ले लेंगे। और चाचा देखिए पहले से यहाँ आके बैठे हैं, तो क्यों आए हैं चाचा? पूजा सामान पूजा सामान
तो देखिए दोस्तों, चाचा पहले ही आए हैं पूजा सामान लेने, तो हमको भी चाहिए पूजा सामान, तो एक सेट निकाली। तो देखिए दोस्तों, ये चाचा लिए हैं पूजा सामान, तो चलिए हम भी ले रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर नारियल बता रहे हैं, तो देखिए, तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग छाटते हैं, कोनों में इसमें पानी है, पानी तो लग रहा है, हम तो दो पीस चाहिए, पानी तो सभी में लग रहा है, तो चलिए दोस्तों इसी में से उठा लेते हैं। दोस्तों देखिए, सारा सामान ले लिए हैं, तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं घर दोस्तों, और पूजा पाठ करेंगे। तो दोस्तों, हम दुकान से पूजा का सामान एकदम लेके आ गए हैं, तो चलिए अब इसको रख देते हैं, उसके बाद नहाएंगे। और घर में तो कोई नहीं है, देखिए पूरा लगाया है, यहीं खूटी में टांग देते हैं दोस्तों, देखिए यहीं पे। तो देखिए अब टांग दिए, चलिए अब नहाते हैं फटाफट, पापा को भी बोलेंगे नहाएंगे। और दोस्तों आज पापा ही पूजा करेंगे, वैसे दोस्तों घर में बड़ा आदमी पापा ही हैं, तो पापा ही पूजा करेंगे तो होगा, तो चलिए फटाफट नहाते हैं अभी। तो दोस्तों देखिए, अभी नहा धो के आ गए, और देखिए अपना गाड़ी सबको यहाँ सेंटर लगा लिए हैं दोस्तों, देखिए। और ये वाला पावर टिलर, ये अपना गाड़ी, और ये वाला साइकिल है दोस्तों। तो चलिए अभी हम नहा लिए, और देखिए खुशी मम्मी भी नहा ली है, और लोटा में पानी अंदर कर रही है, देखिए। और पापा भी नहा लिए हैं दोस्तों, और देखिए पूजा का सामान सब निकाल रहे हैं, देखिए। तो ये सभी लाए थे, तो देखिए दोस्तों ये स्टिकर है, और यहाँ बाबा विश्वकर्मा जी का फोटो है। तो चलिए अभी सभी को सजाते हैं ना पापा। हाँ, सजाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले सजा लेते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, थाली में भी हम लोग पूरा सजा लिए हैं दोस्तों, देखिए नारियल है, यहाँ पे लड्डू है, और पूजा का सामान यहाँ पे लावा मिठाई है दोस्तों। और देखिए पापा क्या कर रहे हैं, नारियल सर में टीका लगा रहे हैं। तो देखिए अब हो गया टीका लगाया, देखिए अब रख दिए, और थाली मेरा सजाया हो गया दोस्तों। तो चलिए अब ले चलते हैं पूजा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एकदम पूरा थाली हम लोग सजा लिए, और यहाँ पे दिया है, और चलिए ये फूल माला, और यहाँ स्टिकर, तो चलिए ये सबको लगाते हैं दोस्तों, और साँटते भी हैं, तो लीजिए जी स्टिकर लगाइए। तो चलिए दोस्तों, माला भी ये करेंगे, और पहले ही खुशी मम्मी देखिए विश्वकर्मा बाबा का फोटो को यहाँ रख दी है। तो चलिए दोस्तों, अब पापा पूजा करेंगे, और देखिए कैसे कैसे करते हैं अभी पूजा। तो देखिए दोस्तों, पानी भी ले आई, कहा जी पापा, अरवा चावल चाहिए। तो देखिए पापा अरवा चावल मांग रहे हैं, तो चलिए अब ये माला सब हम पहना देते हैं दोस्तों, ये सब ने। तो देखिए दोस्तों, माला पहना दिए, क्या ही सुंदर दिखने लगा, एकदम बहुत ही मस्त। अब ये वाला माला उसमें आप दे देंगे दोस्तों, देखिए पापा स्वास्तिक बनाए हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पुराना हम लोग का बाइक है, इसमें आप टीका लगाए हैं। और देखिए दोस्तों, हम लोग का गांव देहात में इसी तरह होते हैं, जितना कुछ जानते हैं उतना ही कुछ करते हैं पूजा। तो अभी पापा देखिए यहाँ पे ओम स्वस्तिक का चिन्ह बनाए हैं, ओम बनाए हैं, और अभी देखिए पावर टिलर में भी बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर तो पहले से ही स्वस्तिक बनाए हैं, और अभी वहाँ टीका लगा रहे हैं, देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पूजा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टिकर भी लगा लिए, माला सब भी लगा दिए, पापा टीका भी पूरे में लगा लिए हैं, अब जा रहे हैं अगरबत्ती जलाने। तो देखिए जला रहे हैं अब, तो अगरबत्ती जला लिए दोस्तों, और अभी देखिए पूजा करना शुरू कर दिए। देखिए पूजा हो गया, और अभी पापा देखिए हम नारियल फोड़ने जा रहे हैं। तो एक नारियल फोड़ लिए दोस्तों, अब दूसरा फोड़ने जा रहे हैं, देखिए। तो अभी पापा प्रसादी सब चढ़ा रहे हैं, देखिए अब चढ़ा लिए, और जो मिठाई था वही सब चढ़ा रहे हैं दोस्तों, देखिए अब चढ़ा लिए बाबा विश्वकर्मा जी के अथी में, और देखिए अब प्रणाम कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख लिए, हम लोग का पूजा हो गया, और हम लोग का गांव देहात में इसी तरह होता है दोस्तों, जैसा करने सके वैसे ही पूजा पाठ होता है, बिना पंडित बिना ब्राह्मण के अपने से ही पूजा करते हैं दोस्तों। तो चलिए थोड़ा हम भी प्रणाम कर लेते हैं, जय बाबा विश्वकर्मा। तो देखिए दोस्तों, अब हो गया, अब यहाँ पे मोरी धागा है, वो अभी बांध दे रहे हैं पापा, देखिए
तो हम लोग का पूजा पाठ हो गया दोस्तों, देखिए बस इतना ही सा पूजा होता है दोस्तों हम लोग का, तो गांव देहात में कर लिए, अब मौली धागा है उसी को अब बांध देंगे, उसके बाद हम लोग का पूजा हो गया। तो हम लोग का पूजा पाठ हो गया, देखिए एकदम पूरा पूजा पाठ बहुत ही अच्छा से दोस्तों हम लोग का गाँव देहात में जैसा होता है वैसा किए, और देखिए अभी भी अगरबत्ती सब अभी जलते ही है देखिए। तो चलिए दोस्तों अब जो प्रसादी सब है वो सब अभी बांटेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे। तो देखिए अभी हम लोग प्रसादी बांटने जा रहे हैं दोस्तों, देखिए जितना भी नारियल का छिलका था वो सब सब निकाल के अभी देखिए सभी को एकदम निकाल लिए हैं दोस्तों, देखिए क्या ही मस्त एकदम निकला है। और जो लड्डू था दोस्तों देखिए खुशी मम्मी अभी प्लेट में रख रही है, और ये लावा मिठाई है दोस्तों, इलायची दाना हम लोग बोलते हैं। तो चलिए जी लगाइए है ना, सभी को दीजिए, दादी को, मम्मी को, हमको, पापा को, खुशी को। दोस्तों आज खुशी अभी सोई है, नहीं तो इतना नठर करती ना, अभी वही लगाती है अभी प्लेट में अभी। तो चलिए दोस्तों ये नारियल सबको एकदम बराबर भाग में बांटते हैं, पीस करते हैं और काटते हैं। देखिए दोस्तों नारियल सबको छोटा छोटा करते हैं पहले, देखिए काट काट को प्लेट में डालते हैं। दोस्तों देखिए सभी में नारियल लगा दिए हैं, और लड्डू और इलायची दाना, और दादी आ गई नहाने गई थी दोस्तों देखिए, और आप लोग भी आई दोस्तों प्रसादी खाने के लिए, बाबा विश्वकर्मा भगवान का प्रसादी है तो खाओ। हाँ खबाई पूजा कर गाड़ी, हाँ गाड़ी लोहा लकड़, हाँ लोहा लकड़ के सामान विश्वकर्मा भगवान की पूजा, हाँ तो खाओ अभी नहा कर ला खाओ खबाई। तो देखिए दोस्तों विश्वकर्मा माई के, हाँ विश्वकर्मा बाबा, हाँ तो माईओ है ना बाबाओ है ना, हाँ तो दादी उतना नहीं जानती है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग प्रसादी खाते हैं, तो ये पापा और मम्मी के लिए देखिए उधर रख दिए दोस्तों, ये पापा उधर गैया बच्चा सबको फूटने के लिए गए हैं, तो अभी खा लो। तो चलिए दोस्तों हम लोग तीनों आदमी अभी खाते हैं प्रसादी, तो प्रसादी खा रहे हैं, और अभी इधर कितना धूप कर दिया है दोस्तों देखिए, और गाड़ी सब यहाँ धूप में है, तो चलिए पहले प्रसादी खा लेते हैं, उसके बाद ये सब कुछ छाया में कर देंगे। और अभी दोस्तों हम लोग मेला देखने जाएंगे, अभी मेला लगा हुआ है बाबा विश्वकर्मा जी का, तो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग खाते हैं, उसके बाद देखते हैं हो सकता है जाएंगे या तो नहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों प्रसादी खा लिए हैं, और अपना पावर टिलर को अपना जगह में रख दिए हैं दोस्तों, और उस तरफ देखिए खुशी मम्मी अभी साफ़ सफाई कर रही है। तो चलिए दोस्तों अभी हम खाना खाते हैं, खाना खाएंगे क्या कि काफ़ी टाइम से उपवास किए हैं दोस्तों, तो पहले खाना खाते हैं। देखिए हम अपने से ही बांट के अभी ले लिए हैं, तो चलिए अभी बैठ के खाते हैं दोस्तों यही वाला पीढ़े में, तो चलिए फटाफट खाते हैं। और आज दोस्तों देखिए आलू और सोयाबीन का सब्ज़ी है, और बरबट्टी जो दादी उस टाइम छिलका फेंक रही थी उसी का सब्ज़ी है देखिए। तो चलिए अभी फटाफट खाते हैं दोस्तों, लग तो रहा है कि सब्जी काफ़ी टेस्ट होगा। तो दोस्तों खाना खा के देखिए अभी नया नया कपड़ा पहन लिए हैं दोस्तों, और खुशी की मम्मी भी और खुशी भी, और अभी हम लोग जा रहे हैं मेला देखने। तो दोस्तों जो मेला देखने जाएंगे और कैसा हम लोग का विश्वकर्मा पूजा होता है तो वो भी दिखाएंगे, वैसे पूजा तो हो गया होगा दोस्तों लेकिन मेला कैसा लगता है वो दिखाएंगे। तो चलिए वो वीडियो आप लोग को दूसरा वीडियो में दिखाएंगे, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और गांव देहात का विश्वकर्मा पूजा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।